इस बात पे तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? सही क्या तुम वाकई इतनी भोली हो? तुम उस विराट की तरफदारी कर रही हो? वो मासूम बनने का नाटक कर रहा है सही। तुम्हें पाने के लिए ना वो किसी भी हद तक जा सकता है, अपने बेटे का भी इस्तेमाल कर सकता है, और वही कर रहा है। याद नहीं है तुम्हें कैसे झगड़ा कर रहा था मेरे साथ, मेरा कॉलर पकड़ लिया था? अपनी आंखें खोलो सही, उसका असली चेहरा पहचानो। जब से उसे मेरे पैरालाइज होने की खबर मिली है, वो तुम्हारे आसपास घूम रहा है, तुम्हारे सामने अच्छा बन के दिखा रहा है। बस करो सत्या, क्या बोले जा रहे हो? तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैं विराट को अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो कोई मौका परस्त इंसान नहीं है। वो ऐसा करना तो दूर की बात है, ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसलिए प्लीज ये सब सोच के ना खुद को परेशान मत करो। चलो MRI के लिए चलो। आपने बुलाया सर? हाँ, वो कल डोमेस्टिक वायलेंस वाला जो केस आया था, उसका कुछ हुआ क्या? सर, उस आदमी के बीवी का कहना है कि वो अपने दोस्त से बात कर रही थी और हस्बैंड को गलत फहमी हुई कि उनका अफेयर चल रहा है। बस इसी वजह से उसने अपने बीवी को बहुत बुरे तरीके से मारा है सर। उसको कुछ दिन रखते नहीं यही लॉकअप में। विराट, ये क्या बदतमीजी, क्या कर रहे हो तुम? मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम क्या कर रही हो इसके साथ? सही, अगर अफेयर था इसके साथ तो पहले ही बोल देती ना। नहीं, लेकिन तुम्हें तो ढोंग रचना अच्छा लगता है। अगर ऐसा पता दिया होता तो तुम विक्टिम कार्ड कैसे प्ले करती ना? तुम्हें उस सत्या के साथ जो अय्याशी करनी है करो, जैसी जिंदगी जीनी है जियो। क्या कहा तुमने अय्याशी? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मुझसे ऐसे बात करने की? जितना कुछ सुनना पड़ा है सही को, बेवजह की सफाई देनी पड़ी है। किसे सहा होगा उसने? आज मेरी वजह से कितना कुछ सुना है उसने। जाने अनजाने में तकलीफें बढ़ाता रहा हूं उसकी।